निषाद पार्टी के तत्वाधान में सोमवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष स्वर्गीय जमुना निषाद की 8वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। सदस्य सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान गांधी प्रतिमा के समक्ष निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग किया। सदस्य सांसद ने स्वर्गीय जमुना निषाद की मौत की सीबीआई जांच की मांग किया। इस अवसर पर भारी संख्या में निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव और सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के 17 जातियों को जो पिछड़े हुए लोग थे, अति पिछड़े हुए लोगों को अनुसूचित जात में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया था और उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। तो उस मानने के बाद भी अभी निषादों का, मझवार का, अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा, गोंड का नहीं जारी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये निषाद पार्टी के लोगों ने, जो हमारे सहयोगी दल हैं, इन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया था, हमें बुलाया था, हम इनका समर्थन करने आए हैं। आज 19 नवंबर है और आज के ही दिन हमारे जो लाइट और निषाद समाज के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय जमुना निषाद जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनके सीबीआई जांच की मांग करते हैं और जो हमारा खोया हुआ आरक्षण है जो पिछली सरकार ने लागू किया था, जो शासनादेश जारी किया था और वर्तमान सरकार उस पर रोक लगाकर बैठी है, तो उस मझवार अनुसूचित जात के प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था जब वो इस गोरखपुर के सांसद थे और 2 जुलाई 2015 के हमारे कार्यक्रम में आकर कहा था कि अगर हमारी सरकार होती तो मैं निषादों को आरक्षण देने का काम करता। और आज तकरीबन 2 साल हो गए वर्तमान सरकार बने हुए, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जो अपने वादा किया था वो वादा पूरा करें और निषादों को आरक्षण दें।